सो गाइज हाउ यू ऑल। वैसे आज के टेक न्यूज को लेके आ गया हूँ दोस्तों, काफी अच्छे अपडेट निकल के आ रहे हैं। बताऊं सबसे पहले सोनी की तरफ से WS1000XM5 दोस्तों, ये इनके हेडफोन्स हैं, नॉइज कैंसिलेशन के साथ में आते हैं, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। इसके साथ में ब्लूटूथ के कोड्स काफी सारे आते हैं, जैसे AAC है, LDAC है, या इसके अलावा आपको SBC भी मिल जाएगा। तो ये ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी 5.2 के साथ में आते हैं। इनका आपको प्राइस पड़ेगा 34,990 रुपीज का। आपको बता दूं कंपनी ने एक इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा गया है, जो भी लोग प्री ऑर्डर करेंगे 7th ऑफ अक्टूबर से पहले उनको पड़ेगा 26,990 रुपीज का। तो अगर आप लेना चाहते हो 7th ऑफ अक्टूबर से पहले आप इसे प्री ऑर्डर कर सकते हो, उसके बाद इसका प्राइस नॉर्मल हो जाएगा। बाकी इसके अंदर 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है, तो काफी अच्छे हैं, जो भी लोग ट्राई कर पाएंगे जल्दी ही। और दोस्तों कंप्लेन कर रहा है आईफोन की तरफ से दोस्तों, एप्पल ने कहा है जो उनके iOS 16 है उसके अंदर आपको जो कीबोर्ड का हैप्टिक फीचर मिलेगा वो बहुत जबरदस्त लगेगा, मतलब सच में कीबोर्ड चलाने में मजा आने वाला है। लेकिन यहां पर वो बैटरी लाइफ आपकी ज्यादा कंज्यूम करेगा नॉर्मल वाले कीबोर्ड से, तो कोशिश कीजिए, अगर आपको बैटरी लाइफ की कोई चिंता नहीं है तो आप चला सकते हो, लेकिन अगर आपको बैटरी लाइफ की चिंता रहेगी तो हैप्टिक फीचर को ऑफ करके रखिएगा। गाइस यहां पर बता दूं टेक्नो पोवा नियो 5G, इसके बारे में आपको कल बताया था, ये डायमेंसिटी 810 के ऊपर आने वाला स्मार्टफोन है, 6000 mAh की बैटरी होगी। आज दोस्तों इसके बारे में प्राइस का भी कुछ आइडिया निकल के आया है और भी बहुत सारे स्पेक्स सामने निकल के आ गए हैं। 6.90 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है दोस्तों, ये काफी अच्छी है, 6.9 इंच की, वो भी एमोलेड डिस्प्ले, मतलब लगभग 7 इंच आप कह सकते हो दोस्तों। यहां पे आपको 17,000 से लेकर 19,000 के बीच में प्राइस स्टार्ट होने वाला है, तो प्राइस इतने बड़े स्मार्टफोन के लिए मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी देखते हैं, यहां पे आपको इसके अंदर 4GB 128GB का पहला वेरिएंट मिलेगा, कंपनी की तरफ से कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा 50 MP का डुअल कैमरा सेटअप रियर साइड के लिए होगा, 18W का फास्ट चार्जर होने वाला है। तो 6000 के हिसाब से चार्जर बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा है। वैसे दोस्तों रियलमी की तरफ से अनाउंस हो चुका है कि रियलमी बहुत जल्दी अपने फोन्स के अंदर आपको डायनेमिक आइलैंड देगा, जो वो वाला फीचर आपको आईफोन 14 प्रो या प्रो मैक्स के अंदर मिलता है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही रहेगा। देखते हैं क्या निकल के आता है, आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे गाइस OnePlus की तरफ से उनकी नॉर्ड वॉच जो है वो कंफर्म हो चुकी है, इसके अंदर 1.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले आने वाली है, ये काफी अच्छी वॉच होगी दोस्तों। यहाँ पे 500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी होने वाली है दोस्तों। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे बता दूं, इसमें आपको एसपोर्ट हार्ट रेट मॉनिटरिंग तो मिलेंगे। इसके अलावा लॉन्च के टाइम इसका प्राइस अराउंड 5000 रहने वाला है दोस्तों, अराउंड बोल दिया है तो लगभग 5000 आप कह सकते हो, इतना ही रहने वाला है, बाद में बढ़ जाएगा, लेकिन इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है वो 5000 के अराउंड रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे अगला वीडियो निकल के आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी S24 के बारे में दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स सामने निकल के हैं, इन्होंने कहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज होगी, इसके अंदर आपको वाईफाई 7 देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से बता दूं कि इसकी जो स्पीड होगी 2.4 times ज्यादा होने वाली है वाईफाई 6 के मुकाबले में, या वाईफाई 6E के मुकाबले में, तो काफी ज्यादा होगा, देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे 2024 में आने वाला है, पता नहीं रिपोर्ट्स इतनी जल्दी जल्दी पहले क्यों देते रहते हैं, चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। तो दोस्तों आज की टेक और ऑटो दोनों से अपडेट यही पे करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।